ये तुम दूसरी बार बनारस भाग रहे हो इति को बचाने, इस बार फेल मत होना। हाँ यार, पिछली बार क्या तू हीरो बनके बोल दिया तो समझा डन, बोल के गया था अब फेल होकर आ गया था। अभी तू फिल्म का हीरो होता ना तो अपनी दोस्त को कब का बचा के ले आता हमें। यार कैसे दोस्त हो तुम सब, मेरी पीठ थपथपाने पाने के बजाय मेरी ही क्लास ले रहे हो, मुझे ही फिल्म का जोकर बना रहे हो। बेटा बात बात में मम्मी पापा बोलते रहते हो ना तुम लोग, घर से बाहर निकलो फिर पता चलेगा। कोई तुम्हें जोकर नहीं बना रहा है, हम सब चाहते हैं कि तुम इति को लेकर आ जाओ। जब से वो इति गायब हुई है तुम हमारे पास रहकर भी गायब ही होते हो। चले चल। ध्यान से जाना ठीक है। ठीक है। अरे नहीं यार, हमारी तो तबीयत ठीक नहीं है, बुखार ने परेशान करके रखा है। कितना है बुखार? अभी तो चेक किया था 103 है। हमें यार तुम्हें 103 का बुखार है और तुम फिर भी काम कर रही हो। चलो आओ सो जाओ रेस्ट करो। अरे बाबा नहीं योग, जहाँ हम काम करते हैं ना मुक्ता दीदी, उनके घर में कोई फंक्शन है, उन्होंने साड़ी ब्लाउज बनाने दिया था, वही काम कर रहे हैं, उनको अर्जेंट भी देना है। लेकिन पहले अपनी हालत तो देख लो मम्मी, तुमसे तो बैठा भी नहीं जा रहा है। हाँ दीदी। अरे कहाँ रह गई हो शांति, कब ला रही हो मेरा ब्लाउज? हाँ दीदी आप ही का काम चल रहा है, जल्दी लाऊंगी। अभी तक तो बन जाना चाहिए था, तुम घर में काम करती हो इसलिए सोचा तुम्हें दे दूं, चार पैसे तुम्हारे भी बन जाएंगे, लेकिन गलती हो गई, मुझे किसी अच्छे टेलर को ही देना चाहिए था। अब जल्दी करो और लाओ। हाँ दीदी मैं जल्दी जल्दी हाथ चलाती हूँ और आपको ला के देती हूँ। कैसे लोग हैं मम्मी, उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कि आप बीमार हो, बस काम करा रहे हैं, होंगे अमीर लोग पर हम भी तो इंसान हैं, ऐसे लोगों के घर काम ही क्यों करना। ऐसा करो ये काम खत्म करके छोड़ दो। ऐसा कैसा चलेगा? हाँ हम काम नहीं करेंगे तो घर में पैसे कहाँ से आएंगे हुँ? देखो ये काम खत्म हो जाएगा ना तो ये जो ब्लाउज है वो मुक्ता दीदी को दे आना, देखा ना कैसे भड़क रही थी। हाँ दे आओगे ना तुम? हाँ ठीक है, अगर तुम्हारी मम्मी इस ब्लाउज के पैसे मांगेगी तो बोलना कि मुक्ता दीदी से जो पैसे उधार लिए ना उसमें एडजस्ट कर लूंगी, समझ गए ना तुम? मॉम पार्टी में लोग आना शुरू भी हो गए और एक अकेला गोपाल कितना कुछ कर पाएगा, ये शांति कहाँ है, उसे तो यहाँ होना चाहिए, क्यों नहीं आई? क्योंकि वो बीमार है। बीमारी में कोई काम करता है क्या? आप कभी बीमार नहीं पड़ती हो क्या? एक तो तुम्हारी माँ ने इतना उधार ले रखा है, ऊपर से तुम हमें ही तेवर दिखा रहे हो, ऐसा लग रहा है नौकरानी का बेटा नहीं महारानी का बेटा बोल रहा है। अरे जब इतना ही बुरा लग रहा है ना तुम्हें अपनी माँ के लिए तो कर्ज चुकाओगे अपनी माँ का, और अगर चुकाना चाहते हो तो अपनी माँ की जगह आज तुम काम कर लो। हाँ जो भी गेस्ट आएंगे उन्हें खिलाने पिलाने में गोपाल के साथ लग जाओ, और इस ब्लाउज का पैसा मैं एडजस्ट नहीं करूंगी। अभी तो चेक किया था 103 है। नहीं यार तुम्हें 103 का बुखार है और तुम फिर भी काम कर रही हो। हम काम नहीं करेंगे तो घर में पैसे कहाँ से आएंगे? अपनी मम्मी का कर्ज कम करने के लिए मैं कुछ भी करूंगा, ठीक है मैं तैयार हूँ, बताइए
क्या करना होगा मुझे? देवी की स्थापना का मुहूर्त इसी नक्षत्र में है और इसी में होगा। अगर एक पल भी देर हुई तो देवी की स्थापना में मुसीबत पैदा हो सकती है। शिव, आप सही थे। सच में देवी, आपकी एक एक बात सच थी। हम देवी हैं। पापा भी हमें यहाँ इसलिए छोड़ कर गए कि हम देवी बने। हमारी मम्मी भी हमें ये बता रही थी कि हम देवी हैं। आपकी मम्मी आपको बता रही थी? हाँ शिव, हमें आपकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था ना, तो मम्मी स्वर्ग से हमारे पास आई थी यकीन दिलाने के लिए कि हम देवी हैं और हमारा जन्म सबकी प्रॉब्लम और सबका दुख खत्म करने के लिए, हम दुनिया की भलाई करने के लिए इस धरती पर आए। शिव, आप बहुत अच्छे हो। आज से आपकी ये देवी आपके साथ बेस्ट फ्रेंड बनकर इस आश्रम में रहेगी। आप जो भी बोलोगे, जो भी कहोगे, वो सब हम करेंगे। ठीक है शिव? अरे सुनो, थोड़ा किचन से स्टार्टर ले आना, गोपाल है वहां पे। मुद्दा, तुमने इतने छोटे बच्चे को काम पे रखा है? एक ही दिन की तो बात है, वो हमारी नौकरानी का बेटा है। एक्चुअली वो बीमार है तो उसकी जगह पे ये काम कर रहा है, और वैसे कौन सा हम इससे पत्थर तोड़वा रहे हैं, खाना ही तो खिला रहा है। लेकिन ये इलीगल है, चाइल्ड लेबर का केस बन सकता है। अब छोड़ ना, तू भी क्या बातें लेकर बैठ गई है। अरे केक वेक का एंजॉयमेंट ले। ओके मम्मी, मैं लेकर आता हूँ दवाई, समझो डन। हो गई बात, फोन हमको दो, ये लेकर जाओ, अच्छे से पकड़ लो। और तू, सुना, मैंने सुना तेरे यहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम चल रही है मेड की। बस कुछ खास नहीं। लो ना आंटी। हाँ? मम्मी का फोन था, बोल रही थी कि बुखार ज्यादा हो गया है, आप मुझे ब्लाउज के पैसे दे दोगे? मैं घर जाते हुए ले लूंगा दवाई, मेरे पास पैसे नहीं है। ओ गॉड, ये बीमारी, ये दवाइयाँ, एक्चुअली है ना, ये इन लोगों का नया तरीका है पैसे निकलवाने का। तरीका मतलब? आंटी मेरी मम्मी बीमार है। अब मुझे क्या पता तुम्हारी माँ सच बोल रही है या बीमार होने के बहाने छुट्टी मारने का बहाना ढूंढ रही है। लेकिन आंटी, वो ब्लाउज के पैसे तो दे दो। क्या पैसे पैसे लगा कर रखा है, दिखता नहीं क्या मेहमान बैठे हुए हैं? गोपाल, गोपाल जी, जी मैम साहब।
लेके जाओ इसे घर के पास। आंटी लेकिन ब्लाउज के पैसे। I said get out. गोपाल। जी जी। लेके जाओ इसे। जी जी। चलो चलो चलो। देखा? इन लोगों के तेवरों से ये लगता है, जैसे कि ये हमारे नहीं, हम इनके नौकर हैं। Anyways, you guys have. मम्मी तो बोलती है, ये लोग उसे परिवार की तरह रखते हैं, अपना समझते हैं, लेकिन ये तो एकदम ऐठू से लोग हैं, एक से बोलना भी नहीं आता इनको। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।